हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको लंदन से इंडिया के लिए ट्रैवल करना है तो आप सबसे कम कॉस्ट में आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ करा सकते हैं। तो रेंडॉक्स करके जो कंपनी है ये सबसे कम कॉस्ट में आरटीपीसीआर टेस्ट करता है। इसकी खास बात ये है कि आप इसे क्लिक एंड कलेक्ट कर सकते हैं जो भी डेटा आपने चूज किया है, और ये आपको ट्रैवल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी होम डिलीवरी तो काफी कॉस्टली है, पर आप इसे 35 पाउंड में क्लिक एंड कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके डिपार्चर के 72 आवर्स पहले आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको ये नेक्स्ट डे 12 o'clock के पहले इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसके सारे स्टेप्स बहुत ही आसान है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन इसके सारे डिटेल्स रेंडॉक्स के साइट में ही फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद सैंपल को आप अच्छे से इसमें दिए गए हुए पाउच में पैक करिए। तो आपके सैंपल का जो रेफरेंस नंबर है वो आप अपने पास ही रखिएगा। तो दिए हुए बॉक्स में आप इसे पैक करें, और उसके बाद जो फाइनल पाउच होता है जिसमें इसका एड्रेस लिखा हुआ है आप उसके अंदर इसमें डालें। तो सैंपल की जो रिपोर्ट है ये आपको बाय ईमेल आ जाएगी, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप एयरपोर्ट में दिखाकर ट्रेवल कर सकते हैं। तो सैंपल को आप अच्छे से सील पैक करिए, और उसके बाद अब बारी आती है इसे डिस्पैच करने की। तो मैं बताती हूँ कि आपको इसे डिस्पैच कहाँ करना है। तो मेरे एरिया में ये पार्किंग में नैंडोज के पास इसका एक ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है। तो आप जिस एरिया में भी रहते हो वहां पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स कहां पर है। तो आपको सैंपल रेंडॉक्स के बॉक्स में ही डालना है, आप और किसी पोस्टल बॉक्स में इसे मत डालिएगा। आप इनकी सर्विस ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि किसी भी कंट्री के लिए ले सकते हैं। तो आगे हैं हम ड्रॉप बॉक्स की तरफ। तो ये है रेंडॉक्स ड्रॉप बॉक्स जिसमें आप अपना सैंपल जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आप इसे एयर सुविधा फॉर्म में अटैच करें, और उसके बाद आप बिल्कुल रेडी हैं अपने इंडिया के ट्रेवल के लिए। तो दिल्ली से हमें हमारे होम टाउन की फ्लाइट चेंज करनी थी, तो हमें फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए कहा गया। तो अभी ये रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर वेटिंग एरिया काफी ही साफ सुथरा था, और यहाँ हमें खाना भी प्रोवाइड किया गया। तो 4 आवर्स के बाद हमारी रिपोर्ट निगेटिव आई, और अब हम चले हैं दूसरी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें।